भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों का हक खुद आजादी दबा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इसके लिए मसले कश्मीर का हल नागुजेर है। बामकसद जीत की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। पाकिस्तान की पहली तरजीह मौशी तरक्की का फरोग है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सैलाब से पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा मुतासर है। 3 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन की बहाली चैलेंज है। अक्वामे मुत्तहिदा भी फ्लैश अपील कर चुका, चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको मिलकर इकदाम करना होंगे। काजिकिस्तान में जारी सीका इजलास में रूस, टर्की, ईरान समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत भी शरीक। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ट्वीट पर पीटीआई के सीनियर आजम सवाती गिरफ्तार, 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले, मेडिकल कराने का भी हुक्म। आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम सेल ने रात के घर से गिरफ्तार किया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक आजम सवाती ने गलत मकासद की तकमील के लिए इंतहाई तजहीक अमेज ट्वीट किया, गलत मालूमात फैलाकर इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई। अदालत के बाहर मीडिया गुफ्तगू में आजम खान सवाती का खुद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, बोले ट्वीट में आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की।